मिथुन चक्रवर्ती जब फिल्मी दुनिया में नए नए आए हीरो बने, तब उनके खिलाफ एक लॉबी खड़ी हो गई। ये लॉबी मिथुन चक्रवर्ती को ना काम देती थी और ना ही उन्हें पसंद करती थी, बल्कि उनकी फिल्मों की और उनकी बुराई करती थी। ये लॉबी जो उनके अगेंस्ट खड़ी हुई थी, ये चाहती थी कि मिथुन चक्रवर्ती फिल्मी दुनिया छोड़ के चले जाए। और ऐसा सभी के साथ होता है जो नया एक्टर आता है। जब भी कोई नया नया बनता है तो उसे एक लॉबी बर्बाद करने का प्लान बनाती रहती है। ऐसा ऋतिक रोशन के साथ भी हुआ, सैफ अली खान के साथ भी हुआ, अक्षय कुमार के साथ भी हुआ, इमरान हाशमी के साथ भी हुआ, और सुशांत सिंह का केस तो सभी को मालूम है। कुछ लोग इस लॉबी से लड़कर अपना करियर बना लेते हैं और कुछ लोग हार जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी इस लॉबी के साथ लड़े। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से अपने आप को स्टार बना लिया खुद। ये लॉबी हमेशा उनके अगेंस्ट रही, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती घबराए नहीं, संघर्ष करते रहे हीरो बनने के बाद भी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मिथुन चक्रवर्ती बहुत बड़े स्टार बन गए। उनकी फिल्में हिट पर हिट हो रही थी, उनकी फिल्में अच्छा खासा बिजनेस कर लेती थी। तब लोगों को जो इनके अगेंस्ट थे, मिथुन चक्रवर्ती की ज़रूरत पड़ी, और उस लॉबी के कई लोगों ने मजबूरी में मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया बतौर हीरो, क्योंकि उस समय तक मिथुन चक्रवर्ती एक कामयाबी की गारंटी बन चुके थे, और हर इंसान चाहता है कि वो एक अच्छी फिल्म बनाए, कामयाब फिल्म बनाए। इसलिए जो लोग मिथुन चक्रवर्ती के अगेंस्ट खड़े हुए थे, एक लॉबी थी, लॉबी के तकरीबन सभी लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती को बतौर हीरो लेके फिल्म बनाई, और मिथुन चक्रवर्ती साहब ने भी उनकी फिल्म करी, पुरानी बातों को ज़मीन में दफना दिया। और बिना नाराज़गी के हंसते हंसते मिथुन चक्रवर्ती ने सबके साथ काम किया। तो ऐसे हैं मिथुन चक्रवर्ती साहब। उन्हें लोगों ने तकलीफ दी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। तो दोस्तों, ये था मिथुन चक्रवर्ती का बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा। ऐसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए।